अच्छे से टाइट रहेगी तो उसकी जो लुक है वो और भी सुंदर लगेगा। घर के लिए इतना लकी, और कहते हैं कि ये आपके घर की नेगेटिव बात चीजों को दूर कर देता है। ये ब्रांच बढ़ गई है तो मैं ना इसको यहाँ से थ्रेड से बांध दूंगी ताकि ये सब चीजें नीचे हो जाए और जो प्लांट है वो आगे को ग्रोथ करे और आगे को जाए। ये देखिए, एक ये भी टोपियारी है पॉर्चुलका की। तो संदीप जी, आज ना मैं आपको बहुत ही खूबसूरत टोपियारी, जो कि बहुत ही सारे लोगों की फेवरेट होती है, मैं आज आपको वो बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि उससे रिलेटेड ना बहुत सारे सवाल आते हैं कि हम भी टोपियारी बनाना चाहते हैं मगर कैसे बनाएं। तो वो चीज़ जो है ना, आज इस वीडियो में आपको पता लगेगी कि कैसे बनाएं। जो टोपियारी होती है और जो ट्रे गार्डनिंग होती है ना, वो लगभग सेम होती है, और दोनों ही मैंने बना रखी है, तो इस वीडियो में आपको दोनों के बारे में मैं थोड़ा बताने की कोशिश करूंगी। तो दोस्तों, टोपियारी वगैरह के लिए ना, सबसे पहले आप लीजिए शैलो पॉट। अगर शैलो पॉट लेंगे ना तो उसकी खूबसूरती है ना तो वो और भी इन्हेंस होके आती है। तो मैंने भी एक ये शैलो पॉट ले रखा है, इसमें मैंने होल भी कर रखे हैं जैसे आपके पॉट में आप करते हैं नॉर्मली, और फिर मैंने मिट्टी वगैरह इसमें भर के, और मैंने देखिए दोस्तों इस टाइप से ना वायर का यूज़ किया हुआ है। तो इसमें मैंने कबाड़ से जुगाड़ का बहुत कुछ यूज़ किया हुआ है, और बहुत कुछ मेरे पास होम डेकोर की चीज़ें रखी हुई थी, ये बुद्धा जी रखे हुए थे, तो मैंने इनको अपने गार्डन में ऐड किया, अपनी कुटप्यारी में ऐड किया ताकि मेरे गार्डन की जो वाइब्स है ना वो बहुत अच्छे से आए। तो जब मैं मॉर्निंग में आती हूँ और इनको देखती हूँ तो बहुत अच्छी फीलिंग सी आती है। मॉर्निंग में आप अगर इनका नाम लेते हैं, होता ही है कि हम भगवान का नाम ले ले तो बहुत पूरा दिन अच्छा हो जाता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से मैं ना ये वायर ले आई थी, हार्डवेयर की शॉप से आप ले सकते हैं, और अगर आपके पास ये वायर नहीं है तो जैसे बाल्टी होती है ना, जिसको बकेट कहते हैं, बकेट में आप उसका जो हैंडल होता है वो राउंड होता है, तो उसे भी आप इस टोपियारी के लिए यूज़ कर सकते हैं। कोई भी आपके घर में जैसे छन्नी होती है, जो छन्नी अगर बड़ी वाली है तो उसका राउंड नीचे का अंदर का पोर्शन जो है वो निकाल दीजिए, और उसके बाहर की जो आउटलाइन है ना उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप चीज़ें यूज़ करें। और इसमें मैंने जूट की डोरी को रैप किया हुआ है, तो जूट की डोरी से क्या होता है ना, मॉइस्चर जो है वो मेंटेन रहता है, जिससे क्या होता है आपका प्लांट जो है ना वो आगे को ग्रोथ करने में ईजी हो जाती है उसके लिए। तो इस तरीके से मैंने करा हुआ है जूट की डोरी में, बीच बीच में मैंने नोट भी लगा रखी है ताकि जो है ना टाइट रहे ये जो जूट है, और अच्छे से टाइट रहेगी तो इसकी जो लुक है वो और भी सुंदर लगेगा। और मैं देखिए इसको ना बांध रखा है, मैंने दो प्लांट लिए थे, जैसे कि आप ये जेड प्लांट देख रहे हैं, तो जैसे इसमें दो जड़ें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो मैंने इसको डिवाइड करके एक साइड यहाँ से मैंने प्लांट को लगा दिया और दूसरी साइड मैंने यहाँ से प्लांट को लगा दिया, और जड़ें जो है वो अच्छी से मिट्टी में डाल दी, और उसके बाद मैंने ये जो है ना आर्टिफिशियल घास यूज़ की हुई है। मेरे पास ये शिवलिंग मेरे घर में रखा हुआ था छोटा सा, तो कहते हैं कि शिवलिंग को जो है घर में नहीं रखना चाहिए, तो मैंने इन्हें ऊपर रख दिया अपने गार्डन में। और ये देखिए एक ऐसे कुछ डेकोर के आइटम रखे हुए थे, ये मैंने मशरूम देखिए खुद से क्रिएट करा हुआ है। तो इस तरीके से आप ना जेड प्लांट की टोपियारी बना सकते हैं, और इससे बुशी बनाने के लिए आपको ऐसे ट्रिमिंग करनी पड़ती है, जैसे कि आप देख रहे हैं ऐसे करके आप धीरे धीरे करके जहाँ जहाँ आपको लगे ना एक्स्ट्रा ब्रांच निकल रही है तो वहाँ आप ट्रिमिंग करते रहेंगे ना, तो जो आपका प्लांट है वो बुशी हो जाएगा और घना हो जाएगा, जिससे कि आपकी टोपियारी जो है वो और भी सुंदर लगेगी। तो इस तरीके से जब ये टोपियारी कंप्लीट हो जाएगी ना ये राउंड, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। ये टोपियारी आप जेड प्लांट की बना सकते हैं, और आप पॉर्चुलका प्लांट की बना सकते हैं, फाइकस प्लांट की भी बना सकते हैं। नॉर्मली लोग कैरेट प्लांट की बनाते हैं क्योंकि जो उसकी जड़ें हैं वो बहुत ज़्यादा गहरी नहीं होती है, तो हमें हमेशा टोपियारी ऐसी ही चीज़ की बनाएं जिसकी जो रूट्स है वो ज़्यादा गहरी ना हो। तो नेक्स्ट टोपियारी है ना दोस्तों, ये देखिए आप मैंने अपराजिता प्लांट की, जो कि घर के लिए इतना लकी, और कहते हैं कि ये आपके घर की नेगेटिव बात चीज़ों को दूर कर देता है और मिलाता है पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस, तो बहुत ही अच्छा प्लांट है, इसे अपने घर में ज़रूर ऐड कीजिए। और मैंने ना इसको टोपियारी की तरह यूज़ किया हुआ है, आप देखिए इसमें कितने प्यारे प्यारे फ्लावर आते हैं, शंखनुमा। इस टाइम शाम का टाइम है तो थोड़ा सा इसका
साइज जो है ना वो छोटा हो गया है। इसमें मैंने ब्लू और व्हाइट दोनों कलर की इसकी वाइन लगा रखी है, अपराजिता वाइन। आप ये देखिए व्हाइट कलर का भी ना इसमें फूल आ रहा है, आप ये देखिए कितना प्यारा, और ये देखिए। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। अगर आप टोपियारी बनाना चाहते हैं तो इसमें भी मैंने सेम वही वायर का यूज़ किया हुआ है। वायर को मैंने ऐसे डबल लेके और उसको मैंने ये बस कुछ नारियल की जो जूट की डोरियां होती हैं जो हमारे घर में कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है, मैंने उसको यूज़ किया हुआ है और उसको रैप करके आपकी वायर में और इस तरीके से पाइप में ना इसको कर रखा है अटैच। इसमें होल करने के बाद पाइप को मैंने कर दिया है फोल्ड, और ये देखिए यहाँ से मैंने ये इसको पाइप को जो है अंदर डाल दिया। पीवीसी पाइप है जो घर में आपके काम का होता है प्लम्बर वगैरह का, तो छोटे मोटे पाइप वगैरह जो है ना वो बच जाते हैं, तो मैं फेंकती नहीं हूँ, उनको यूज़ कर लेती हूँ। तो इस चीज़ देखिए मैंने राउंड शेप दे रखी है, आप राउंड शेप दीजिए, आप हार्ट की शेप दीजिए, आपको जैसी शेप आपको पसंद हो आप वो शेप दे सकते हैं। उसके बाद मैंने दो जो बेल है उसको बांध बांध के मैंने यहाँ पे ऐसे चढ़ा दिया, तो आप देखिए कितना प्यारा लुक दे रही है, और आप घर में ज़रूर बनाइए इसको। तो बहुत ही सुंदर टोपियारी बनी है मेरी, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वाली टोपियारी कैसी लगी, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छी लगती है पर्सनली, और बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंट लुक है इसका। तो जैसा कि आपने जेड प्लांट की टोपियारी तो बहुत सारी देखी होंगी, मैं आपको पोर्चोला का जिसको 9 to 5 और मॉस रोज कहते हैं उस प्लांट की भी टोपियारी दिखाऊंगी। देखिए मैंने गणेश चतुर्थी पे ये टोपियारी बनाई थी, और देखिए कितनी ही खूबसूरत है, और आप इसे ईजीली बना सकते हैं। वही जो मैंने आपको ये वायर दिखाई हुई है, आप इसी वायर को यूज़ कीजिए, इसको आप डबल यूज़ कीजिए, थोड़ा सा बेस अच्छे से बन जाता है, और ये वायर आपको हार्डवेयर की शॉप पे मिल जाएगी। इस पर आप जूट की डोरी करके ना रैप करके ऐसे इसको ज़मीन के अंदर ऐसे मिट्टी के अंदर अंदर डाल दीजिए ताकि इसको बेस मिल जाए। और आप ये देखिए पोर्चुल का मैंने धीरे धीरे करके कटिंग्स वगैरह ना चढ़ा दिए हैं, और इसके डेड हेडिंग करती रहती हूँ जो जो खराब खराब फ्लावर आते हैं, और इसे मैं इसके साथ अटैच करके बांध देती हूँ। ये देखिए इस तरीके मैंने धागे से बांध रखे हैं, और ये मैंने देखिए खूबसूरत बनाने के लिए जो टैंगलेट वाइन होती है ना यहाँ पे मैंने इस तरीके से लगा रखा है। तो जो जो आपके माइंड में थीम चल रही है आप उसको इस अपनी टोपियारी में यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे गणेश जी विराजमान रखे हैं देखिए आप, और ये देखिए इस तरीके से मैंने उनका सिंहासन वगैरह बना के थोड़ा सा, और ये स्टोन वगैरह का यूज़ किया हुआ है, ये छोटे वाले पत्थर भी जो होते हैं उनका भी यूज़ किया है, कलरफुल स्टोन्स जो होते हैं उनको भी यूज़ किया हुआ है, और ये देखिए मैंने एक घंटी भी लगा रखी है। मतलब थोड़ा सा ना डिवोशनल टाइप का मैंने इसको टच देने की कोशिश की हुई है। तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कैसी लगी आपको ये टोपियारी। तो कुछ ऐसा भी आप क्रिएट कर सकते हैं आप पोर्चुल का प्लांट से, जेड प्लांट से, और भी बहुत सारे प्लांट हैं मनी प्लांट से। तो नेक्स्ट दोस्तों आप देखेंगे ये है मेरी जेड प्लांट की बहुत ही खूबसूरत टोपियारी, जो कि मेरे यहाँ की बेस्ट टोपियारी है, और बहुत ही थोड़ा सा टाइम इसको बनाने में मुझे ज़रूर लगा था, थोड़ी सी स्टार्टिंग में मेहनत लगी थी, मगर जब बन गया ना उसके बाद जो इसका लुक आप देख सकते हैं, अभी ये कंप्लीट नहीं हुई है, जब ये चीज़ इसकी यहाँ पे पहुँच जाएगी और ये चीज़ सब बढ़ के आएगी ना, तो ये जो टोपियारी है ये बहुत ही सुंदर लगेगी। मैं इसको ट्रिमिंग करती रहती हूँ, और साथ में ना यहाँ पर जैसे ये इस टाइप के आप देख रहे हो आप, ये ब्रांच बढ़ गई है, तो मैं ना इसको यहाँ से थ्रेड से बांध दूँगी ताकि ये सब चीज़ें नीचे हो जाए और जो प्लांट है वो आगे को ग्रोथ करे और आगे को जाए। तो ये कटिंग करनी पड़ती है ट्रिमिंग वगैरह अपनी टोपियारी में। तो ये देखिए मैंने एक ये झूला वगैरह बना के दो बच्चे बैठा रखे हैं, तो वो झूला झूल रहे हैं, नीचे से स्टोन्स वगैरह का काम किया हुआ है। तो जो भी आपके माइंड में थीम चल रही है आप उसे कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेमिंग करी है मैंने इसमें चारों तरफ से, पहले इसका एक बेस बना के फिर मैंने ऐसे क्रिस क्रॉस करके ना वायर से ही मैंने ये देखिए फंसा फंसा के वायर से और नोट वगैरह लगा के, क्योंकि ये ना प्लांट में चढ़ने के बाद ये सब चीज़ें नहीं दिखती है, मगर अगर हम सीधे डायरेक्ट बनाना चाहे तो ऐसे नहीं बनेगी, हमें प्लांट को बेस देना पड़ेगा कि वो जो है ना वो टिके रहे उस पर, और कैसे चढ़े प्लांट, तो उस चीज़ के लिए हमें ये जो वायर का बेस है ये ज़रूर बनाना पड़ेगा। तो ये भी ना बहुत ही प्यारा मेरा फ्रेम है, और इसकी मैं जो मैंने फुल वीडियो है वो चैनल पे अपने अपलोड करी हुई है, आप देख सकते हैं मैंने कैसे इसको बनाया था, और ये देखिए झूला भी हैंग करा हुआ है। तो पूरा तीज में मैंने, तीज स्पेशल में मैंने जो ये वीडियो है ये डाली थी, और बहुत ही खूबसूरत टोपियारी है। तो ऐसा भी आप ट्राई कर सकते हैं, पोर्चुल का हो गया, जेड प्लांट हो गया। तो दोस्तों जैसे कि आपने जेड प्लांट की टोपियारी देखी हुई है, आपने पोर्चुल का प्लांट की भी टोपियारी देख ली है, तो अब मैं आपको कुछ डिफरेंट दिखाना चाहती हूँ। तो ये देखिए जैसे कि मैंने ना मनी प्लांट की टोपियारी बनाई है, हाँ इसकी कंडीशन थोड़ी अभी सही नहीं है क्योंकि मैंने थोड़ा सा इसको धूप वगैरह में रख दिया था, उस टाइम मेरे को लगा कि बरसातें वगैरह एकदम से शुरू हो गई, तो मैंने इसको धूप में रख दिया। तो मनी प्लांट आप जानते हैं कि प्रॉपर धूप में अगर इसको रख दे तो अच्छे से ग्रोथ नहीं करता, उसके जो लीव्स हैं वो येल्लो हो गए, मगर आप इस तरीके से ऐसे ही फ्रेम बना के राउंड
शेप में या आप हार्ट शेप में भी इसको बना सकते हैं और इस तरीके से आप अपनी मनी प्लांट की जो है ना एक बेल को ना चढ़ा सकते हैं। तो आप इसको ना जगह जगह पे टक कर दें एक डोरी की हेल्प से। और इस तरीके से मैंने देखिए छोटे से बुद्धा रखे हुए हैं और बहुत ही प्यारा लुक दे रहे हैं। और इन चीज़ों को देख के ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी सी वाइब्स आती हैं। आप देखिए ये मैंने यहाँ पे स्पाइडर का प्लांट भी लगा रखा है जो कि इसकी खूबसूरती को चार चांद लगाता है। छोटे छोटे स्टोन्स का यूज़ किया हुआ है, छोटे छोटे ये वाइट पत्थर जो होते हैं इनका यूज़ किया हुआ है। तो जैसे आपके घर में जो भी चीज़ अवेलेबल है ना आप उन चीज़ों को लेके ही अपना थीम को माइंड में रखिए और उस थीम को में मेंटेन करके रखिए तो बहुत ही सुंदर टोपियारी बनेगी आपकी। तो ये भी ना बहुत प्यारा लुक देती है आपके गार्डन में। और आप इसमें शैलो पॉट का यूज कीजिए जब भी आप टोपियारी बनाइए। दोस्तों ये देखिए एक ये भी टोपियारी है पोर्चुलका की और देखिए कितनी प्यारी है। और ये देखिए दो बच्चे से मैंने यहाँ पे बैठा रखे हैं, ये फुल इंजॉय कर रहे हैं पेड़ के नीचे। तो पोर्चुल का आपने देखा होगा इस टाइप से नहीं बन सकता है, मगर थोड़ा सा मैंने इसमें अपना यूज़ किया, अपना कबाड़ से जुगाड़ा। आप देखिए बैक साइड में मैंने वायर है ना, वही वाली वायर है, उसको मैंने मिट्टी के अंदर खड़ा डाल दिया है। उसके बाद मैंने रैपिंग कर दी है पोर्चुल का की, थोड़ा सा इसको तीन चार जो है ना प्लांट की स्टैम्प्स लेके उसको गूंथ दिया है और इस तरीके से वायर की हेल्प से मैंने इसको जगह जगह पर स्टेबल कर दिया है। और उसके बाद आप देखिए कितना प्यारा लुक है। अभी ये शाम का टाइम है, इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, मगर ये देखिए बर्ड्स बन रहे हैं। तो इतनी छोटी चीज़ में भी ना इतने अच्छे से ग्रोथ कर रहा है प्लांट। तो इस तरीके से आप टोपियारी बना सकते हैं। और आप ये कंटेनर देख रहे हैं फूड का है, मतलब इसमें होटल वगैरह से जब हम खाना मंगाते हैं तो उसमें ये आते हैं कंटेनर। तो मैंने देखिए इतने छोटे कंटेनर में इतनी प्यारी सी टोपियारी बनाई है। तो आप इस तरीके से टोपियारी बनाइए और किसी को गिफ्ट करिए तो बहुत ही अच्छा लगेगा उसको भी और आपको भी। तो दोस्तों टोपियारी तो आपने मेरे यहाँ के देख ही लिए, अब मैं आपको कुछ ट्रे गार्डन दिखाना चाहती हूँ अपना। एक दो मैंने ट्रे गार्डन बना रखे हैं। तो आप ये देखिए कितना प्यारा सा जेड प्लांट का बोनसाई बना रखा है। इसकी स्टैम्प देख रहे हैं आप कितनी ज़्यादा मोटी हो गई है, क्योंकि मैं ना इसके ऊपर से ट्रिमिंग करती रहती हूँ। ट्रिमिंग करती हूँ ना तो प्लांट जो है वो जो उसकी हाइट है वो इतनी रहती है और जो ग्रोथ वगैरह ना वो यहाँ से देखिए कितनी मोटी हो गई है। तो इस तरीके से आप जेड प्लांट की इस तरह से बोनसाई बना सकते हैं और देखिए कितना खूबसूरत लुक दे रहा है। इसमें मैंने देखिए चेयर्स भी लगा रखी है, स्टूल लगा रखा है बैठने का, दो बच्चे भी खेल रहे हैं। और ये देखिए मैंने पार्टीशन फैंस लगा रखे हैं और कुछ झरना वगैरह कुछ मेंटेन करके रखा है। और ये देखिए खरगोश, और ये देखिए इस टाइप से ना छोटी छोटी चीज़ों से आप अपनी ट्रे गार्डनिंग को सुंदर बना सकते हैं जिससे कि वो और भी खूबसूरत लगे। तो ऐसी ही आप भी बना सकते हैं। ये सिंपल मैंने भी छोटे छोटे जेट प्लांट के जो नॉर्मल हमारे प्लांट होते हैं उन्हीं से ही बनाई हुई है। थोड़ा सा इस चीज़ को बनाने में टाइम लगता है, एक साल डेढ़ साल में आपको इस तरीके का आपको जो है ना ट्रे गार्डनिंग देखने को मिलेगी। ये मेरा डेढ़ साल पुराना जो पेड़ है उसको मैंने इसको रूप दिया है अपने बोनसाई का। तो ये देखिए प्रोसेसिंग पीरियड में ये चल रहे हैं, आप इन्हें भी जल्द ही देखेंगे कि ये भी इसी रूप में मिलेंगे। ये देखिए इस तरीके से ना मैं जो स्टैम्प्स होती हैं उनको ऐसे रख देती हूँ। अब मैं इसमें जो बोनसाई वायर का भी यूज़ करने वाली हूँ कुछ टाइम बाद। तो ये देखिए छोटे छोटे मैंने ऐसे जेड प्लांट के ना दो तीन कटिंग्स को लेके मिट्टी में डाल दिया और आप देखिए छोटा सा मिनी ट्री बन रखा है। और यहाँ पे मैंने देखिए जो हमारे छोटे छोटे मटकियाँ होती हैं उनके जो ऊपर के होते हैं ना उसको मैंने यूज़ किया हुआ है। तो इस तरीके से मैं अभी ये चल रहा है काम इन पर और आशा करती हूँ जल्दी मैं आपको इनकी इन सब की वीडियो भी दिखाऊंगी और आपको ये सब टोपियारी वगैरह पसंद आई होगी। और अगर इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज होना तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी। कविता जी के गार्डन का ये है कुछ नाइट व्यू, देख सकते हैं काफ़ी लाइट्स वगैरह लगा रखी है मैम ने और बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो चलते चलते वीडियो में आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि मैम का भी अपना एक यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है मैम, तो वहाँ पे जाके आप ज़रूर फॉलो करिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलने वाले हैं दोनों के, साथ ही में मेरे को आप इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पेज पे भी ज़रूर फॉलो करें क्योंकि मैं जल्द ही वहाँ पर लाइव आता हूँ जब भी किसी गार्डन में जाता हूँ और उसके बाद अपनी यूट्यूब वीडियो वगैरह शूट होती हैं। तो आप वहाँ पर भी जाके ज़रूर फॉलो करिएगा और मिलता हूँ मैं ऐसी किसी और वीडियो में। चैनल पर यूँ ही बने रहें, यूँ ही प्यार बनाए रखें। बाय बाय। ये एक ऐसी बीमारी ही समझ लीजिए जो कभी ख़त्म ही नहीं होती। आप बार बार आपका मन करेगा आप पौधे खरीदें, आप नए प्लांटर लेके आए, मतलब इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। सावन का टाइम है तो आप जब शिव जी की पूजा करते हैं तो इस कनेर के फूल को आप शिव जी को जरूर समर्पित कीजिए। जितना भी एक्स्ट्रा फैट है आपकी बॉडी से वो भी लूज करते हैं।
अगर आपके अंदर गार्डनिंग का शौक है, आपको प्लांट पसंद है, तो आप पार्क से या कहीं रोड के किनारे से छोटी छोटी कटिंग ला के भी प्लांट्स लगा सकते हैं। इस तरह से पानी अगर स्टोर हो जाता है तो काफ़ी दिक्कत होती है पौधों को।